आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री परम करुण परम ज्योति का चमत्कार। मैं दिल्ली से कंचन खुराना हूँ। हम भक्तों का एक समूह है जो नियमित रूप से दूसरों को आनंद स्थिति हस्तांतरित करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक दिन इस प्रक्रिया के दौरान हमें अपने करीबी 5 लोगों के नाम बताने के लिए कहा गया। जब मैं नाम लिख रही थी तो मेरे भीतर से एक आवाज़ ने मुझे उन लोगों के नाम शामिल करने के लिए निर्देशित किया जिन्हें मैं नापसंद करती थी। हालांकि शुरू में मैं उन लोगों को आनंद स्थिति हस्तांतरित करने के लिए अनिच्छुक थी जिन्हें मैं नापसंद करती थी या जिन्होंने मुझे दर्द पहुंचाया था, फिर भी मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। जब मैं उन्हें आनंद अवस्था हस्तांतरित कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो रही है और मैं अपने मन की आंतरिक बातचीत और कहानियों में फंस गई हूँ। हालांकि जैसे ही मैंने अपने आंतरिक सत्य को स्वीकार किया, सभी कहानियाँ गायब हो गईं और आंतरिक संवाद तुरंत बंद हो गया, जिससे मैं शांति की स्थिति में आ गई। तब से मैं अपनी आंतरिक वास्तविकता को सहजता और शालीनता से स्वीकार करने में सक्षम हो गई हूँ। आंतरिक अखंडता अब सहजता से प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप मैं लगभग प्रतिदिन सोमा का अनुभव करती हूँ, यहाँ तक इसके लिए प्रार्थना किए बिना भी मुझ पर इतनी कृपा करने और परिवर्तन के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे दयालु भगवान के चरण कमलों में मेरा हार्दिक आभार। मैं भगवत धर्म का हिस्सा बनकर वास्तव में धन्य महसूस करती हूँ। मेरे प्रिय श्री परम ज्योति भगवती भगवान को शतकोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे परम मित्र।